हेलो बच्चो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट वुड यू डू टू अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द वेलवन मीटर बोल रहा है कि ऐसा हमें क्या करना होगा ताकि हमें लार्ज डिफ्लेक्शन मिल जाए गैलवन मीटर में तो so चलिए उसके लिए हम सोल्यूशन देख लेते हैं बट बिफोर ऑफ ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की वी आर गोइंग टू यूज हयर फॉर दिस क्वेश्चन सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे गैलवन मीटर का यानी कि गैलोनीमीटर बेसिकली होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं सो so, गैलोनीटर में एक्चुअली क्या होता है आ, दो कॉइल्स होती है ठीक है सो so, इसका यदि मैं कंस्ट्रक्शन देखूं सो लेट सपोज के कुछ इस तरीके से कॉइल होती है ये फर्स्ट कॉइल हो गई इसको गैलोनीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है ठीक है गैलोमीटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर एक सेकंड कॉइल होती है ठीक है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल बोल देंगे यहाँ पर क्वाइल टू बोल देंगे उसको हम बैटरी सप्लाई देते हैं ठीक है लेट से द बैटरी सप्लाई टू बी एस वी सो ये है कॉइल वन और ये है क्वाइल टू दी वन सी टू सो जब हम बैटरी सप्लाई देते हैं सो so इसमें से करंट फ्लो होता है एंड अकॉर्डिंग टू फैड लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन जब ये करंट इस क्वाइल से फ्लो होता है सो so इसके प्रोड्यूस होते हैं फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं एंड उस फ्लक्स के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है ठीक है उस फ्लक्स के कारण से क्या प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉल वन के तरफ आती है ठीक है सो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इस स्क्वायर में अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ईएमएफ इंड्यूस होता है ठीक है और इसी ईएमएफ से एक करंट का क्या हो जाता है इंड्यूस हो जाता है जिसे हम बोल देते हैं इंड्यूस करंट और उसको हम डिनोट कर देते हैं आई इन से सो so, दोनों ही केसेस में क्या कॉमन है

मुझे ये जो इंड्यूस करंट है क्योंकि बेसिकली इंड्यूस करंट कहाँ से होगा देखिए मीटर से सो so, वो क्या आप शो करेगा डिफ्लेक्शन इनटू द द मीटर सो वही यहाँ पर बोल रहा है कि यदि मुझे डिफ्लेक्शन लार्ज चाहिए मीटर में यानी कि मुझे ज्यादा से ज़्यादा क्या करना है इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करना है सो so, उसके लिए हमें क्या करना होगा क्या अरेंजमेंट करनी होगी सो so, देखिए बेसिकली यदि मैं इन दोनों को ओके okay, इस अरेंजमेंट को डिस्टेंस uh, पर रखूं ठीक है सो so, उस कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कॉयल वन पर कम से कम अफेक्ट लगाएंगी और उस कारण से कम से कम फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे यदि फ्लक्स कम होते हैं ठीक है सो so, ईएमएफ भी क्या हो जाएगा कम से कम प्रोड्यूस होंगे और डिफ्लेक्शन भी क्या होगा कम होगा रादर दैन दिस यदि मैं इस कॉयल को इसके करीब लो ठीक है नियरेस्ट टू दिस वन सो उसका आंसर क्या होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे so, सो भी क्या होगा ज्यादा ज्यादा से इंड्यूस होगा यानी कि जो इंड्यूस करंट है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लो होंगे और सिंपली हमें क्या मिल जाएगा लार्ज डिफ्लेक्शन ठीक है तो चलिए इसको हम स्टेप्स इस के द्वारा लिख लेते हैं कि इसके लिए हम सम ऑफ द स्टेप कैरी आउट करेंगे so, उसमें मैं फर्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है बट उसके लिए हमें एक प्रॉपर अरेन्जमेंट करना होता है जैसे कि यहाँ पर हम बोल देंगे यूज आ रॉड हम एक रॉड का यूज करेंगे विच शुड बी मेडअप ऑफ आयरन यूज अ रॉड मेडअप ऑफ आयरन इनसाइड द कॉइल सी टू इन साइड सी टू सी टू कॉल के बिटवीन में हम एक आयरन रॉड का यूज करेंगे सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं कनेक्ट द कॉयल टू पावरफुल बैटरी अब देखिए यदि मैं बैटरी का पावर बढ़ा दू सो उस कारण से ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा और यदि करंट मैक्सिमम होगा सो so, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस होंगे फ्लक्स 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 एंड एज वी नो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड यदि ज्यादा प्रोड्यूस होगा सो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी ज्यादा प्रोड्यूस होंगी और इस ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा करंट इंड्यूस होगा सो इसमें हम ये भी एक अरेंजमेंट कर सकते हैं कि दैट इज कनेक्ट पावरफुल पावरफुल बैटरी हम पावरफुल बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं किससे टू कॉल सी टू सी टू के साथ ठीक है और थर्ड स्टेप हम लिख सकते हैं मुह द अरेन्जमेंट रैपिडली अरेन्जमेंट मुह दि अरेजमेंट रैपिडली टू वर्ड्स टू वर्ड्स दॉल टेस्ट कॉयल सी वन जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि यदि इनका डिस्टेंस कम से कम होगा सो so, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस लगा सकती है और उस कारण से इंड्यूस करंट ज्यादा ज्यादा होगा सो so, हमें गैलोनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा सो देस द्स व्हिच वी कैन अप्लाई टू गेट द लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ गैलोनोमीटर से एंड यू कैन से द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से So, this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.